नमस्कार दोस्तों, तो आइए आज फिर से ज्योग्राफी स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने बोला था कि मैं डेली कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में ज्योग्राफी के ऊपर भी बनाऊं, ठीक है। एक ज्योग्राफी और एक हिस्ट्री, ऐसे करके हम दो वीडियो एक दिन में बनाने वाले हैं। एक ज्योग्राफी के ऊपर होगा और एक हिस्ट्री के ऊपर होगा। तो आज मैंने जो टॉपिक चॉइस किया हुआ है, जब मैंने प्रायद्वीपी पढ़ा दिया, ठीक है, मानसून भी पढ़ा दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीजें अगर आपको पता रहेंगी तब जाके हम आगे का कंसेप्ट जो है वो थोड़ा समझ पाएंगे, ठीक है। आगे उतना कंसेप्ट तो है नहीं, बट फिर भी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि ओशन, अभी हमने ओशन स्टार्ट नहीं किया, बट अगर हम सी लेवल में जाएंगे, पानी वाटर में उतरेंगे अच्छे से, बेव बंगाल देखेंगे, अरब सागर, पैसिफिक ओशन, ये सब सब ओशन जब देखेंगे तो ये सब रिपीट वापस से होगी। बट फिर भी मैंने इसका एक लेक्चर अलग से ले लिया ताकि ये चीजें आपको डीप में अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए आज हम जो बात करेंगे वो है हमारा UNCLOC। क्या है UNCLOC? क्या बोलते हैं इसको? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा भारत है, ठीक है, ये हम कैसे पता करें कि अगर हमारे भारत, ये हमारा भारत है, भारत के साथ क्या क्या है? अरेबियन सी है, यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, ठीक है। ऐसे तीन तरह से क्या है, सागर से घिरा हुआ है। बट अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोलूं कि बताइए कि मैं कहां तक इस वाटर के यूजेस कर सकता हूं, अगर मैं कुछ खनिज निकालना चाहता हूं, क्योंकि वाटर में बहुत सारे संसाधन होते हैं, अगर मैं कुछ चाहता हूं वहां से निकालने के लिए, तो मैं किस लेवल तक जा सकता हूं, कहां तक यूज कर सकता हूं? अगर ऐसा होता तो मैं यहां तक पूरा अरेबियन सी में सब जगह ढूंढता और मुझे कुछ मिल जाता तो फिर मेरा देश का डेवलपमेंट होता था, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं बंगाल में जाते थे, वहां पे भी बहुत सारे संसाधन है, उनको भी निकाल के आते थे, अपने भारत में डेवलप करते थे उसको, मतलब भारत डेवलप होता था उस संसाधनों का यूज करके। इंडियन ओशन में हम पूरा नीचे तक जा सकते थे। बट यही निर्धारित करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक लॉ बनाया, उस लॉ को क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और द लॉ ऑफ सी, जिसको शॉर्ट में UNCLOS बोलते हैं। ये कब लाया गया? 1982 में। उसको ये जो हमारा क्षेत्र है, ये हमारी मेन लाइन है, ये क्या है? मेन लाइन है, और सभी कंट्रियों को दी गई है, ये मात्र सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं है, ये सभी कंट्रियों को दी गई है, जिसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको EEZ बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताइए EEZ की मतलब भारत आर्थिक जोन, भारत का आर्थिक अनन्य आर्थिक जोन कहाँ पे स्थित है? तो आपको क्या बोलेंगे? 200 माइल्स, ठीक है, कितने? 200 नॉटिकल माइल्स पे स्थित है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे स्थित है, कि इसके बाहर हम नहीं जा सकते हैं, इसके बाहर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है इस वाटर पे, ठीक है, इसके अंदर ही हमारा अधिकार है। तो आइए अब हम इस टॉपिक को अच्छे से थोड़ा डीपली देख लेते हैं, और हम चैनल जानते हैं, चैनल क्या होता है, मेन मकसद हमारा ये जानना है, और चैनल्स क्या होते हैं, चैनल्स किसको बोलते हैं, किसको है? चैनल्स उसको बोलते हैं जो दो द्वीपों के बीच की सकरी जगह हो, मतलब पतली जगह हो दो द्वीपों को, जैसे एक द्वीप यहाँ पे है और एक द्वीप यहाँ पे है, तो इसके बीच के लाइन को चैनल बोलते हैं। सपोज इस अगर ये चैनल है 12 डिग्री पे स्थित है, तो इसको 12 चैनल बोलेंगे, ठीक है। ऐसे तो दो द्वीपों के बीच में स्थित सकरा जगह को क्या बोलते हैं? चैनल। उसको हम क्या बोलेंगे? चैनल। वही चैनल हमको आज देख रहे हैं। अब ये डिग्री में क्यों जानना है? डिग्री में इसलिए जानना है क्योंकि देखो ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा क्या है? अर्थ है। इस अर्थ में तुमको पता है सेंटर पे क्या है? इक्वेटर है। कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे। हजार बार बात यही हमारी हो चुकी है, 0 डिग्री पे इक्वेटर है। अब जब 0 डिग्री से ऊपर जाते हो तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 5 6 ऐसे करके 90 डिग्री ऊपर तक जाएगा, 90 डिग्री नीचे तक जाएगा, ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करके पूरे 90 तक और फिर नीचे 90 तक। तो टोटल कितने लाइनें बनेंगी? 181। ये भी एग्जाम में कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कितनी लाइनें हैं, मतलब ये हमारा देशांतर रेखा है कि अक्षांश रेखा है, आप कमेंट करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी, जिससे हमारा ये है उसी तरह से ये है लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड। तो कितने हैं टोटल? 181 अगर इस तरह से पूछा गया, तो आप मुझे बताएंगे इसको क्या बोलते हैं? ये 181 है टोटल, ठीक है। तो जब ये 0 डिग्री है तो इसके ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 इसी के बीच में हम क्या करेंगे? दो द्वीपों को रखेंगे, दो द्वीपों के बीच में से कौन सी लाइन जा रही है उसको हम बोलेंगे चैनल्स, ठीक है, या डिग्री। देखो डिग्री है ना, उसको चैनल बोलेंगे, और वो जिस डिग्री पे है उसको वहां के डिग्री का नाम दे देंगे उस चैनल का, 9 डिग्री चैनल, ठीक है, ऐसा। तो आपको ये समझ गया रहेगा। तो आइए हम टॉपिक पे आ जाते हैं।
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, इन्होंने UNCLOC ने बनाया कभी 1982 में ये लॉ बनाया, और इस लॉ के तहत सभी कंट्रियों को उनकी सीमाएं दे दी गई, जल सीमा जिसको बोला जाता है, जल सीमा, इसको जल सीमा मतलब कि इसी सीमा के रेंज में आप रहोगे, और इसको अनन्य आर्थिक जोन बोला जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, चलिए तो हम इसको तीन भाग में पढ़ेंगे, तीन भाग मतलब तीन भाग में ही बटा हुआ है। ठीक है, पहला क्या है, टेरिटरी सी, जिसको प्रादेशिक समुद्री सीमा बोलते हैं, प्रदेश से सटे हुए समुद्री सीमा। दूसरा क्या है, संलग्न क्षेत्र या अविंचिक मंडल, जिसको बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन। ठीक है, और फिर क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये थर्ड लाइन है। ये सेकंड लाइन क्या है हमारा, कॉन्टिजियस जोन मतलब संलग्न क्षेत्र या अविंचिक क्षेत्र, ये है। और हमारा पहला वाला कौन सा है, टेरिटोरियल सी, ठीक है, क्षेत्र ऐसा बोल सकते हो, इसको प्रादेशिक समुद्री सीमा बोला जाता है। चलिए आगे, तो ये आप देख रहे हो हमारा तटीय क्षेत्र है, ये क्या हमारा तटीय क्षेत्र। एक चीज और पहले हम समझ लेते हैं कि बे का मतलब क्या होता है, जैसे बे हो गया, ठीक है, गल्फ, इन सब का मीनिंग क्या होता है, खाड़ी हो गई, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं ना, बे ऑफ बंगाल, तो बंगाल की खाड़ी भी बोला जाता है इसको। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसको कच्छ की खाड़ी बोलते हैं, इसको कच्छ की खाड़ी बोलते हैं ना, और इसको खंभात की खाड़ी, और इसको सौराष्ट्र बोलते हैं। ये खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ठीक है, ऐसा क्यों बोला जाता है, ये सॉरी, ये खंभात का गल्फ है, खंभात गल्फ, गल्फ ऑफ खंभात, ये गल्फ क्यों बोला जाता है इसको, और इसको खाड़ी क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दे देंगे, देखो जो हमारा बे है वो खाड़ी इसलिए बोला जाता है, इनको बंगाल की खाड़ी को खाड़ी क्यों बोला जाता है, ठीक है, और हिंद महासागर को खाड़ी क्यों नहीं बोला जाता है, उसका रीजन ये है कि जो वाटर तीन तरफ से लाइन से घिरा हो, किससे घिरा हो, लाइन से घिरा हो, भूमि से, भूगर्भ मतलब हमारे जमीन से घिरा हो। अब जैसे यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है तो इस तरफ भी लाइन से घिरा हुआ है, ऊपर जाओगे तो बांग्लादेश रहेगा, नीचे की तरफ आओगे तो म्यांमार रहेगा, यहाँ से इस तरफ से लेके इस तरफ पूरा तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से, तो इसको क्या बोलेंगे, बे मतलब खाड़ी। और गल्फ किसको बोलते हैं, ये भी उसी को बोलते हैं जब तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे कि ये एक दो तीन, एक दो तीन, तीनों तरफ से पानी से वाटर से मतलब लैंड से घिरा हुआ है ये वाटर, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, गल्फ। बट गल्फ क्यों बोलेंगे, खाड़ी क्यों नहीं, क्योंकि ये छोटा होता है, तो अगर लार्ज नहीं है, छोटा है, साइज में छोटा है, तो उसको बोलेंगे गल्फ। अगर बहुत ज्यादा बड़ा है, जैसे बंगाल को गल्फ नहीं बोल सकते हैं, बंगाल बे ऑफ गल्फ ऑफ बंगाल, ये बराबर नहीं जमेगा, क्यों नहीं जमेगा, क्योंकि वो साइज में बड़ा है, तो साइज में बड़ा है तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, बे बोलेंगे, और छोटा है तो गल्फ, जैसे उसको बोलते हैं गल्फ। समझ गया, तो ये दोनों चीजें आपको समझनी थी। चलिए तो हम बात करते हैं टेरिटरी सी का, प्रादेशिक समुद्री सीमा। तो आप देख रहे हो कि आपका तटीय क्षेत्र है, तो इस तटीय क्षेत्र से 12 मील कितना, 12 माइल तक, क्योंकि हमारी ये जो जमीने हैं, ठीक है, ये जमीने हमारी कटी चलती है, मतलब अभी तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है, बस अगर जूम जूम करके हम देखेंगे तो हमको ये यहाँ इधर उधर दिखनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए यूनाइटेड ये नेशन ने क्या किया, पहले तो 12 माइल तक क्या किया, हमको दे दिया, मतलब 12 माइल तक हमारा अधिकार पूरा है, पूर्ण अधिकार है, मतलब पूरी तरह से अगर हम तटीय क्षेत्र पे हैं तो 12 माइल्स तक जहां तक हम जाएंगे वहां तक पूरा हमारा अधिकार है, पूरा का पूरा हमारा अधिकार है। ठीक है, पूरी तरह से समुद्र में आप कुछ भी कर सकते हो, वो पूरी की पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा अधिकार हमको दिया गया है। 12 माइल्स फिर 24 माइल्स, 24 माइल्स पे आता है कॉन्टिजियस जोन। कौन आता है, कॉन्टिजियस जोन, संलग्न क्षेत्र या अविंचिक मंडल, संलग्न क्षेत्र या अविंचिक मंडल, जिसको बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन। टेरिटरी जोन समझ में, कॉन्टिजियस जोन क्या होता है कि तटीय क्षेत्र से ही यहां से जो लाइन है पूरा 24 तक, 12 ये था, 12 या 24, ये 24 तक हमको दिया गया है। क्या दिया गया है, 24 यहां तक ये दिया गया है कि इसके रेंज के अंदर, इसके रेंज के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कहने का मतलब यह है कि हम अगर हम वाटर साफ कर रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ के जो वाटर फ्लो के आते हैं, अगर उनको साफ करना है तो हम कहां तक कर सकते हैं, 24। अगर मैं अरब सागर के तट को साफ करना चाहूंगा तो सिर्फ 24 माइल तक ही साफ कर सकता हूँ। और सीमा शुल्क, भारत में कोई एंट्री करता है जब बंदरगाह पे पोर्ट पे, तो मैं उससे शुल्क भी लेता हूँ, शुल्क ले सकते हैं हम, जो बाहर से सामान आते हैं उनसे शुल्क लेना पड़ता है, तो वो शुल्क अगर इसके एंट्री अंदर आए तो ही हम लेंगे, अगर यहीं से वो चले गया, रिटर्न हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हम नहीं लेंगे। अगर ये लाइन वो 24 माइल्स मतलब तटीय क्षेत्र से 24 माइल्स के रेंज में आया तो हम उनसे सीमा शुल्क ले सकते हैं। तो पहला काम, हम इधर तक सफाई, साफ सफाई भी कर सकते हैं,
ठीक है, क्लियर कर सकते हैं ऑर्डर को। सेकंड चीज कि हम यहाँ से सीमा शुल्क भी ले सकते हैं और यहाँ से हम कोई भी मतलब लगा के यहाँ से पैसे भी कमा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये तीन चीजें हम यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं 24 माइल्स के अंदर तक। बट अगर इस सीमा शुल्क से अंदर नहीं आया तो आप नहीं ले सकते। अगर ये अंदर आया तो हम सीमा शुल्क लेंगे, बट बाहर है तो नहीं ले सकते हैं। तो ये बात हो गई किसकी, कंटिजियस जोन, संलग्न क्षेत्र या अवंछित जोन। तीसरा देखिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आप याद रखिए इसको, एग्जाम में पूछा जाता है ई जेड का फुल फॉर्म पूछ दिया या ई जेड कितने लंबाई पे है, कौन से साइड पे है भारत के, ठीक है, अरब सागर बंगाल की खाड़ी, तो ऐसे आप इसको समझ लीजिए। वहां पे भी है ऐसा नहीं, ये वहां पे भी है, बट हम एक साइड से पढ़ लेते हैं पहले। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ई जेड भी इसको बोला जाता है, इसको अनन्य आर्थिक जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनन्य आर्थिक जोन। तो तटीय क्षेत्र से कहां तक है, 200 माइल्स तक, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे भारत के नक्शे को तो आपको यहाँ पे लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप है यहाँ पे, क्या है, अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप है, ठीक है। इसको मिनिकॉय बोलते हैं, मिनिकॉय, ठीक है। यहाँ लक्षद्वीप मिनिकॉय और फिर इसके नीचे है, ये आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे ठीक है मालदीव है, यहाँ पे आपको दिख रहा है मालदीव है ये, हाँ। तो अब यहाँ पे 9 डिग्री क्यों लिखा हुआ है, 8 डिग्री क्यों लिखा हुआ है, अपने डिग्री समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया ये हमारा इक्वेटर 0 डिग्री है, अगर 1 पे है तो 1, 2 पे है 2, 3। तो उसी तरह से मैंने आपको भारत का एंडिंग बताया था कि 6 डिग्री से स्टार्ट होता है 8 डिग्री से, ठीक है। यहाँ से हमारा भारत स्टार्ट कहा होता है, खत्म कहा होता है। अगर आपने नहीं समझा तो पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, फर्स्ट वीडियो मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। तो यहाँ से जब स्टार्ट होता है तो ऊपर की तरफ आते हैं तो डिग्री में ग्रोथ होता है, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हो ना। तो जैसे जैसे डिग्री में ऊपर जाते हैं तो हमको 8 डिग्री मिलती है। 8 डिग्री पे क्या है, 8 डिग्री किन किन दो द्वीपों के बीच में है, अगर पूछा गया एग्जाम में तो बोलना मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री है, ठीक है। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सी डिग्री है, 9 डिग्री। ऐसे करके अगर मैं डिग्रियां खींचूंगा, 0 डिग्री यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 पे क्या आएगा, 8 किसके किसके दो द्वीपों के बीच में है, मिनिकॉय और मालदीव, और 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है 9 डिग्री। तो 8, 9 ऐसे ऊपर की तरफ हम जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और हमारा श्रीलंका से भी जल समझौता हुआ है, पाक जल समझौता, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाक जल समझौता देख रहे हो आप, ये साइड का पाक जल समझौता है यहाँ पे श्रीलंका से जो हुआ है, और फिर यहाँ पे क्या है, मन्नार की खाड़ी है, क्या है, मन्नार की खाड़ी, ये साइड पे यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पे पाक जल समझौता जो हमने श्रीलंका से करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बात हो गई। और ये जो सेतु बनाया हुआ है इनके बारे में हम थोड़ा अच्छे से बात करेंगे, मैं जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर भी इसके साथ थोड़े से पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा, उस समय बताऊंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए क्योंकि चैनल पढ़ा रहा हूँ तो चैनल समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये आपको समझ गया, ये साइड को मन्नार की खाड़ी और ये पाक जल समझौता बोला जाता है, ये डिग्री आपको समझ गई। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा था क्या, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। तो आप सबसे पहले कोको देख रहे हो यहाँ पे, कोको, ये जो है कोको है, ये क्या है, कोको, जो कि किसकी है, म्यांमार की है, ना कि इंडिया की है, किसकी है, म्यांमार की। यहाँ पे अगर आप ऐसे मैप को आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि म्यांमार है, तो तीन तरफ से घिरा हुआ है। तो ये कोको किसका है, म्यांमार का, ठीक है, म्यांमार का कोको। अब आप यहाँ पे देखें 10 डिग्री लिखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पे 8, 9, 10 डिग्री पूछ लिया एग्जाम में, 10 डिग्री किन दो द्वीपों के बीच में है, तो कौन से दो द्वीपों के बीच में है, यहाँ पे इस द्वीप का एकदम साइड के द्वीप की बात करना है, ना कि इसके, क्योंकि इन दोनों द्वीप में तो तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे, रॉन्ग कर दोगे। इन दोनों के बीच में पूछा गया, तो उससे पहले इन द्वीपों के नाम जो है आपको वो बहुत जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम चैनल पढ़ रहे हैं, मैं द्वीपों के बारे में नहीं आऊंगा, जब मैं आइलैंड पढ़ाऊंगा तब मैं आइलैंड में अच्छे से इनके नाम भी बताऊंगा, बट अभी हमको चैनल समझना, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जान सकते हो बाद में, ठीक है, चलिए खुद से भी जान सकते हो, ओके। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये छोटा सा पॉइंट बना है, यहाँ पे पॉइंट बना है, इसका नाम है लिटिल अंडमान, क्या है, लिटिल अंडमान, और ये क्या है, कार अंडमान। तो लिटिल एंड कार अंडमान के बीच में 10 डिग्री जाता है, ऐसे एग्जाम में पूछा 10 डिग्री किन दो द्वीपों के बीच में जाता है, तो कार अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में से होके जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, डिग्री की और चैनल्स की। मुंबई है, आपको पता है यहाँ पे मुंबई हाई है, मुंबई हाई से हम बहुत सारे संसाधनों के, देखो यहाँ पे
कॉन्टिजियस के आगे है, कॉन्टिजियस के आगे है ना, 24 माइल्स के आगे है, तो इस संसाधन का उपयोग कौन करेगा, हम करेंगे कि बाजू वाला करेगा या कोई और करेगा, हम करेंगे क्योंकि हमारे एक्सक्लूसिव जोन के अंदर है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंदर है, इसलिए इन मुंबई हाई का उपयोग पूरी तरह से कौन करेगा, हम करने वाले हैं। तो पूरी मुंबई हाई में जो भी चीजें मिलेंगी वो पूरी तरह से उस संसाधनों का उपयोग हम करने वाले हैं, बट अगर संसाधन थोड़ा सा इधर हो जाए तो हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र हमको मिला गया है इतना ही है, ये क्षेत्र देने वाले कौन थे, UNCLOC यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी, इसको बनाया कभी गया 1982 में, ठीक है। तो हो गया है, तो अभी इसमें कुछ भी नहीं है, इतना ज्यादा इसमें समझने लायक भी नहीं था, इतना ही सा था, ठीक है। बस चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है, याद रखनी है, क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछ लेता है, आपको पूछ लिया 8 डिग्री किन दो द्वीपों के बीच में, 9 डिग्री 10 डिग्री किन दो द्वीपों के बीच में, या फिर बोलते हैं लिटिल अंडमान एंड कार अंडमान के बीच में कितनी डिग्री है, या कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है ऐसा, ठीक है। और ये सब सारी चीजें याद रखना, पूछ लिया 24 माइल्स पे क्या स्थित है, कौन सा जोन स्थित है, तो कौन सा जोन स्थित है, कॉन्टिजियस जोन। तो इस तरह के क्वेश्चन घुमा घुमा के इसमें से सैकड़ों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, अगर आप उन सैकड़ों क्वेश्चनों के जवाब देने हैं तो जो चीजें बताता हूं उसको ध्यान से समझा करिए, एक बार आप समझ गए तो दूसरी बार कोई भी कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा उसी समय आपका माइंड चलेगा, भले वो आपने क्वेश्चन नहीं सुना होगा, बट अगर आपने इसको समझा तो क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब सारी चीजों को आप ध्यान रखिए। तो आज के लिए ज्योग्राफी में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं या मैं आपको पढ़ा पाता हूं, तो प्लीज चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तभी मैं इन चीजों को आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं करना है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप बस देखेंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप देख रहे हैं नहीं देख रहे, तो आप सब्सक्राइब करिए, मुझे पता चलेगा कि आप जुड़ चुके हैं, देन मैं और अच्छी अच्छी चीजें करता रहूंगा इसे, ठीक है। मिलते हैं, नमस्कार।